नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट टास्क पर। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि नायब तहसीलदार का पेपर जो हुआ था डिपार्टमेंटल एग्जाम निरस्त हो चुका है, और साथ ही साथ दोस्तों अब इसका फॉर्म कब आने वाला है और इसमें कौन कौन भर पाएगा इस फॉर्म को। तो दोस्तों पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, आप खुद भी अगर देख सकते हैं। नायब तहसीलदार के लिए आयोजित परीक्षा पीईवी ने की निरस्त। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने नायब तहसीलदार पद के लिए आयोजित की गई विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा निरस्त कर दी गई है। राजस्व विभाग के लिए ये 30 जून को आयोजित की गई थी, अब इसकी नई तारीख एक सप्ताह में घोषित की जाएगी। इस मामले में उम्मीदवारों द्वारा की गई अधिकतर शिकायतें जांच में सही मिली हैं, इसके बाद परीक्षा निरस्त करने का निर्णय बोर्ड की मीटिंग में रखकर लिया गया है। तो दोस्तों जो शिकायतें थी वो क्या थी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे चीटिंग का मामला सामने आया था दोस्तों, जो कि भोपाल में कॉलेज में वहाँ पर चीटिंग का मामला सामने आया था, जिसका वीडियो वायरल हो चुका था और जिसकी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका था दोस्तों, वीडियो वायरल होने की, और उसका चीटिंग का मामला सामने आया था। और यहाँ पर इन्होंने जांच की पीईवी में अपने स्तर पर, तो वो सही पाई गई हैं, इस वजह से एग्ज़ाम निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें कुछ इम्प्रूव जो नया ये हुआ था दोस्तों कि कुछ पटवारी जो एज वाले थे, मैंने आपको बताया था पटवारी जो नायब तहसीलदार के लिए दोबारा से फॉर्म निकले थे वो 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग थे उनके लिए थे। तो दोस्तों इसमें अब सभी लोग एक साथ इसका फॉर्म भर पाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों उम्मीद है कि कुछ नया इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या तो वैकेंसीज बढ़ सकती हैं या उतनी ही रहें, लेकिन कुछ और लोग भी अब इसमें पात्र हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और किसी भी तरह के डाउट क्वेरी सजेशन हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दी। इसके अलावा दोस्तों किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप बता सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जाकर। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।